अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस चैनल पे मैं आप लोगों को बताऊंगी पिक फ्री कैब के बारे में। ठीक है, तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं जी अपने पिक फ्री कैब की तरफ। ठीक है, जिसके लिए सबसे पहले तो हम एंटर होंगे प्ले स्टोर पर। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर ऐप आप लोगों को जो है वो प्ले स्टोर पर ही मिलता है। तो हम यहाँ पर अब एंटर होते हैं अपने प्ले स्टोर पर। ठीक है, सबसे पहले तो हम आ चुके हैं अपने प्ले स्टोर पर। ठीक है, प्ले स्टोर पर आने के बाद आप लोगों ने पिक फ्री कैब को यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं गेमिंग, ठीक है, गेम्स और वीडियोस की तरफ। और यहाँ पे आने के बाद जी हमारा फर्स्ट वर्क जो है वो है पिक फ्री कैब को सर्च करना। ठीक है, जिसके लिए हम यहाँ पे आ चुके। यहाँ पे आने के बाद जी हमने यहाँ पे जो है वो अपने पिक फ्री कैब को सर्च किया। सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो पिक फ्री कैब जो है वो अवेल है। आप लोगों ने सबसे पहले तो इस ऐप को यूज़ करना है। ठीक है, जिसमें आप लोग यहाँ पे पिक फ्री कैब को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आप लोगों के पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ओपन करते हैं अपने पिक फ्री ऐप को। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं पिक फ्री कूल फोटो इफेक्ट्स ऐप की तरफ। ठीक है, दी बीटा प्रोग्राम फॉर दिस ऐप इज़ करंटली फुल। ओके, 3-in-1 फोटो एडिटर है। आप लोगों के पास 9K रिव्यूज़ हैं और 500K+ इसके डाउनलोडर्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद आप लोग यहाँ पे इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू कर रही हूँ पिक फ्री कैब के बारे में। तो चले आइए यहाँ से बैक। और बैक आने के बाद अब हम चलते हैं अपने ऐप की तरफ। यहाँ से हम बैक आए। बैक आने के बाद अब हम एंटर होंगे अपने ऐप पे। ठीक है, तो चलिए आइए जी हम शुरू करते हैं पिक फ्री ऐप को। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जी पिक फ्री ऐप को आप लोगों ने जो है वो किस तरह से यूज़ करना है ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जी आप लोगों ने यहाँ पे पिक फ्री ऐप को ओपन करना है। बैक आए। बैक आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो पिक फ्री ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे इजीली इस ऐप को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं पिक फ्री ऐप की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि आप लोगों ने पिक फ्री ऐप को किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखें ओवर 1000 फोटो इफेक्ट्स हैं, कूल बैकग्राउंड्स हैं, बुल्ट इन प्रेजेंस आ जाता है। आप यहाँ पे इसको बिगेन के ऑप्शन पे ले आएँ। यहाँ पे लाने के बाद बैक आएँ। बैक आने के बाद जी आप लोगों के पास यहाँ पे पिक फ्री कैब जो है वो डन हो गया है। अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, आप लोग जो सा भी अप्लाई करना चाहें इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आप लोगों के पास ये है। अगर आप लोग यहाँ पे इस तरह का करना चाहते हैं, एक तो आप अपनी गैलरी से लेना चाहते हैं, तो यू मस्ट अलाउ द परमिशंस ऑफ पिक फ्री कैब। ओके, तो आप लोगों ने यहाँ परमिशंस वगैरह अलाउ की हैं। अलाउ करने के बाद जो मस्ट अलाउ एनी पिक्चर फॉर्म। ओके, आई लाइक दिस। मैंने यहाँ पे इस पिक्चर को यहाँ पे डन कर दिया। ठीक है, ये डन करने के बाद इसकी जो एडिटिंग है वो डन हो गई है। आप लोग जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग जिस तरह से चाहें इस पिक्चर को जूम करना चाहें आप लोग यहाँ पे इस पिक्चर को जूम कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस तरह से मेरी वीडियोज़ जो हैं वो अच्छी लगी होंगी। ठीक है, आप लोगों ने जो है वो पिक फ्री ऐप को मस्ट यूज़ करना है। यह बहुत इजी और सिंपल है और आप लोग यहाँ पे इस ऐप को मस्ट यूज़ करिएगा। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे अब डन करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद जी ये सारा कुछ डन हो जाएगा। चेंज बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इनहेंस विद द प्रेजेंट है। आप लोगों के पास फ़िल्टर्स के ऑप्शन पर जाएँ, आप लोगों के पास डिफरेंट फ़िल्टर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।